प्रधानमंत्री द्वारा भारत में चल रहा स्वच्छ भारत अभियान दिखा गरौठा में। आपको बता दें कि गरौठा नगर पंचायत द्वारा हनुमानगढ़ी प्रांगण में स्वच्छ भारत मिशन के तहत समस्त विद्यालयों की तरफ से पूरे नगर में स्वच्छता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार और गरौठा CEO अभय नारायण राय रहे। वहीं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त IAS मध्य प्रदेश डॉक्टर विजय निरंजन रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत गरौठा चेयरमैन हमवीर निरंजन और अधिशासी अधिकारी आशीष राय ने माल्यार्पण किया। इस मिशन के बारे में उप जिलाधिकारी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन का तात्पर्य सफाई से है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि नगर पंचायत द्वारा ही ये कार्यक्रम चलाया जाए। हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये आवश्यकता नहीं थी कि सरकार एक अभियान चलाए कि हमें कैसे स्वच्छ रहना है, कैसे लोगों को समझाना है, ये आवश्यकता थी। वहीं CEO अभय नारायण ने कहा कि हम लोगों को स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को प्रधानमंत्री के इस मिशन को पूरा करना चाहिए। जो हमारे CEO साहब ने उन्होंने कार्यक्रम की बात बताई कि किस तरह से सरकार का उद्देश्य है, लेकिन मूल प्रश्न हम सबके सामने ये है कि स्वच्छता की बात हम क्यों कर रहे हैं। आज स्वच्छता के लिए हमें जागरूकता रैली निकालने की बात क्यों आ रही है? अभी लग रहा है बच्चों का मन नहीं लग रहा है, साथियों अगर मानना लगे तो हम कॉम्पिटिशन करा देते हैं। मेरा सीधा उसूल है कि अगर मन सुनने में ना लगेगा तो मैं प्रतिस्पर्धा करा लूंगा, जो जीतेगा वही चुपचाप बैठेगा, जो नहीं जीतेगा वो बाहर चला। स्पर्धा से कभी भागना नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ सदन की नहीं, ये प्रतिस्पर्धा हमारी परीक्षाओं तक सीमित नहीं, ये प्रतिस्पर्धा आजीवन आजन्म चलती रही है। जिंदगी में भी इसी तरह की प्रतिस्पर्धाओं से हमें लड़ना पड़ता है। सेवानिवृत्त IAS मध्य प्रदेश डॉक्टर विजय निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर भारत स्वच्छता अभियान रैली को रवाना किया। एक बात यहां गौर करने लायक है कि किसी नगर या शहर की सफाई से ज्यादा जरूरी है कि वहां से गुजरने वाली जीवनदायिनी नदी की सफाई हो। गरौठा की नदी विगत कई दिनों से स्वच्छ नहीं हुई है। सारे नगर के नालों का पानी इसी नदी में जाकर गिरता है, जिससे प्रदूषण और तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी को इसके बारे में जानकारी ना हो। पता सबको है पर पहल कोई नहीं करना चाहता। नदी में फैली गंदगी की खबर समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों की सुर्खियों में बनी रहती है, मगर अब तक शासन व प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। गरौठा से मिलन परिहार की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।